हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.6। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी बेसिक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर के आप बेसिक वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपसे गुणनखंड करते बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, गुणनखंड यदि करते बनता है तो इस एक एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चनों को आप बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 64 की पावर 1.6। सबसे पहले आप इसमें पहचानिएगा कि इसमें कौन क्या है। देखिए, जो 64 है वह मूल है, क्या है, मूल है, और जो 1/2 है वह घात है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, घात है, 64 की घात 1/2। ठीक है, इतना तो पहचानते आपसे आएगा ही कि 64 क्या है, मूल, 1/2 है घात। ठीक है फ्रेंड, तो अपने को मूल का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है, मूल का गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम 64 का फटाक से गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, हम 64 का गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपसे गुणनखंड करते आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए, यानी इसका गुणनखंड क्या आया, 64 = कितने 2 है, 6/2। 6/2 को लिख लेना है। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करने के बाद अपने को देखना है कि घात में उसके हर में क्या है। तो इस घात के हर में है क्या, 2। क्या है, 2। 1 है अंश और उसके बटे में हर, हर क्या है, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिएगा कि घात के हर में क्या है, तो घात के हर में है 2। यदि घात के हर में है 2 तो इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, बराबर बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 6, और 6 का 2 भाग में बांटेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, यानी इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया, ये 2 भाग में बट चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो चुके हैं, 2 भागों में बट चुके हैं। अब इनका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। कितने कितने का बना, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8, और इसे सिंपली अपन लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 का स्क्वायर। अतः हम मूल को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम मूल को इस रूप में लिख देते हैं। तो 64 को लिखेंगे 8 की घात 2, और पूरी क्या है, 2। तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 8 की घात 1, और 8 की घात 1 का करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन ज्यादा ही समझ में नहीं आया तो एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फटाक से इसे नोट कीजिएगा, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन अपने को दिया गया है 32 की घात 1.5। क्या दिया गया है, 32 की घात 1.5। क्या दिया गया, 1/5। अब इसमें पहचानना है कि इसमें मूल क्या है, मूल क्या है, 32 मूल है, और इसमें घात क्या है, 5। घात क्या है फ्रेंड्स, 5, और घात का अंश क्या है, 1, और घात का हर है 5। क्या है, हर 5 है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मूल का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मूल का गुणनखंड कर देते हैं। इसमें मूल क्या है, 32, तो 32 का गुणनखंड कर देते हैं। 32 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए, वहां से जाके आप बेसिक वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें गुणनखंड करना बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो 32 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार है, कितने दो है, पांच दो, तो उसको लिख दीजिए, ये हो गए पांच दो, एक दो तीन चार पांच, पांच दो हो गए। अब देखिए कि घात के हर में क्या है, घात के हर में पांच है, मतलब इसे पांच भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो पांच भागों में तोड़ेंगे मतलब इसका एक ही भाग बनेगा, क्या बनेगा, एक ही भाग बन जाएगा, मतलब इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, दो की घात पांच, क्या लिख सकते हैं, दो की घात पांच, मतलब अपने को देखना है कि घात के हर में क्या है, घात के हर में पांच है, यदि घात के हर में पांच है तो इसे उतने की ही घात बढ़ाना है, मतलब घात के हर में यदि पांच है तो इसे पांच की घात बनाना है, यदि तीन है तो तीन तीन की घात बनाना है, ठीक है। घात के ये घात है, घात के हर में पांच है तो इसे पांच की घात बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब 32 को दो की घात पांच लिख सकते हैं, ठीक है, और दिया गया एक बटे पांच, ठीक है। 32 को लिखे दो की घात पांच और एक बटे पांच देगा तो एक बटे पांच, पांच से पांच कैंसिल और आ गया दो की घात एक, और दो की घात एक को लिख सकते हैं दो, यही अपना आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से इसे नोट कीजिए, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 125 की घात 1y3, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करें, पहचानेंगे इसमें मूल क्या है, जो कोष्ठक के अंदर बंद है वही मूल है, ठीक है। तो मूल क्या है 125 और घात क्या है 1/3, घात क्या है फ्रेंड्स 1/3। अब घात में पहचानना कि अंश कौन हर कौन, तो घात में अंश है एक और हर क्या है तीन, हर क्या है तीन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो मूल का गुणनखंड करेंगे, तो देखिए मूल का गुणनखंड कर लेते हैं, मूल का गुणनखंड करेंगे तो इसका पांच से भाग जाएगा, पांच दूनी दस, पचम पच्चीस, पचम पच्चीस, पांच एकम पांच, यहां पर पांच है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 125 का गुणनखंड आया कितने पांच, तीन पांच, ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं कि घात के हर में क्या है, घात के हर में है तीन, तो इसे तीन की घात बनाना है, ये जो पांच है इसे तीन की घात में बनाना है, ठीक है। मतलब जितने भी गुणनखंड दिए जाएंगे उनकी घात तीन बनाना है, तो इसमें तीन है तो पांच की घात तीन लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कितने तीन, कितने पांच है, तीन पांच, तो पांच की घात तीन, अपने को तीन के फॉर्म में ही बनाना था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मतलब अपन 125 को पांच की घात तीन लिख सकते हैं, तो चलिए 125 की जगह पांच की घात तीन और 1/3 जगह 1/3, तीन से तीन कैंसिल, आ जाएगा पांच की घात एक और पांच की घात एक इक्वल टू पांच, ठीक है फ्रेंड्स। किसी की घात भी एक हो तो उसका आंसर मूल ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर दो की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर दो को किस प्रकार से हल करेंगे, अपना प्रश्न नंबर दो है क्या चीज, प्रश्न नंबर दो का अपन क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्या दिया गया है कि 9 की घात 3/2, वही करना है कि अपने को सबसे पहले मूल पहचानना है, इसमें मूल क्या है 9, मतलब मूल 9 है और 3/2 क्या है घात है, क्या है घात है, 9 क्या है मूल, 3/2 क्या है घात, और इसमें देखेंगे कि इसमें घात में अंश क्या है और हर क्या है, तो घात में अंश है 2 3 और हर है क्या 2, हर क्या है 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मूल का गुणनखंड करेंगे, तो मूल क्या है 9,
तो 9 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 9 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार हुआ 3 into 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुणनखंड करने के बाद अपने को देखना है कि घात के हर में क्या चीज है। तो घात के हर में 2 है, मतलब इसे घात 2 बनाना है। ठीक है, मतलब ये जो 3 3 है इसकी घात 2 बनाना है। तो 3 कितने हैं? 2, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात अपन 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम 9 को लिख देते हैं 3 की घात 2, और 3/2 दिया है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अब आ गया 3 की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 3 को 3 बार लिखना है। ठीक है, इस 3 को इस इतने इतने बार लिखना है। ठीक है, मतलब मूल को 3 बार लिखना है। ठीक है, तो इनके गुणा कर दीजिए, 3 3 9, अब आया 3 और 9 3 27, और यही जो होगा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट से इसे नोट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5 वही करना है, अपने को मूल पहचानना है। मूल क्या है? 32, घात क्या है? 2/5। क्या है? 2/5। अब इसमें देखिए अंश क्या हर क्या, अंश है 2 यानी ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, हर क्या है 5। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इतना पहचानने के बाद अपने को मूल का करना है गुणनखंड। तो चलिए 32 का कर देते हैं गुणनखंड। 32 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर 32 का गुणनखंड लिख देते हैं। 32 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आया। अब देखिए गुणनखंड करने के बाद अपने को देखना होता है कि घात के हर में है क्या चीज। घात के हर में 5 है, मतलब इसे 5 की घात बनाना है। ठीक है, जो यहाँ पर संख्याएं दी गई उन्हें घात 5 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितनी दी गई है? यहाँ पर संख्या क्या दी गई? पूरे में 2 दी गई है, और 2 की घात ही अपने को 5 बनाना है, या किसी की घात भी 5 बनाना है। मान लीजिए एक्स की घात 5 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है? 2। क्या है फ्रेंड्स? 2। तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 5। मतलब अपन 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो चलिए हम 32 की जगह इस 32 की जगह 2 की घात 5 लिखते हैं। ठीक है, अब जो है उसे सेम का सेम लिख देते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम करते हैं वैसा ही होगा, 5 से 5 कैंसिल, आया 2 की घात 2। ठीक है, मतलब इस 2 को 2 बार लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 को 2 बार लिखिए, 2 2 4, और यही अपना आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 16 की घात 3/4। हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे। 16 की घात 3/4। ठीक है, 16 की घात 3/4। तो सबसे पहले अपने को पहचानना है मूल क्या। मूल 16 है, और घात क्या है? घात 3/4 है। ठीक है, अब घात में चेक करना है अंश क्या हर क्या। घात में अंश है ऊपर वाला 3, और हर है 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करना है, पहचानने के बाद अपने को करना है मूल का गुणनखंड, यानी 16 का गुणनखंड। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। आपसे इतना तो आता होगा फ्रेंड्स। अब 16 गुणनखंड क्या है? 16 =
जितने दो है उसे यहाँ पर उतार दीजिए, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए गुणनखंड करने के बाद अपने को देखना है घात में हर क्या है, इस घात में हर क्या है, हर हमेशा नीचे वाला होता है, ठीक है, भिन्न का नीचे वाला। तो 3/4 अपनी घात है और घात के हर में अपना है चार, क्या है चार। तो 2 को हम लिखेंगे क्या, 2 को लिखेंगे यानी जो भी यहाँ पर संख्या रहेगी उसकी घात चार लिखेंगे, मतलब x की घात चार के फॉर्म में बनाएंगे। अपने को x का मान पता नहीं है, x की घात चार के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कितने है चार, यानी कितने दो है चार दो, ठीक है, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, मतलब यहाँ पर x का मान हुआ 2, क्या हुआ 2। तो 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्या लिख सकते हैं 16 को 2 की घात 4, तो अपन 16 की जगह लिखेंगे 2 की घात 4। चलिए लिखते हैं 16 की जगह 2 की घात 4 और जो दिए गए बाकी उसे लिख देंगे 3/4। 4 से 4 कैंसिल, आया 2 की पावर 3, और मतलब 2 को 3 बार लिखना है तो 2 को 3 बार लिख दिए। अब देखिए 2 2 4 इंटू 2 2 4 2 8, यही अपना फाइनल आंसर होगा। आई होप तो फ्रेंड्स आपको इतने क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है उसे उसी की फॉर्म में लिखना, मतलब घात के हर में जो चीज दिया रहे उसी के फॉर्म में उसे बना देना, जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इतना कर लेते मतलब 2 की पावर 4 2 की घात 4 के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके फॉर्म में बना लेते हैं, तो अपना क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन दिया गया 125 की घात -1/3, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, वही करना है जैसा कि अपन करते आए हैं। 125 क्या है, मूल, मूल पहचानना है और घात पहचानना है, घात है -1/3, घात में पहचानना है अंश क्या, हर क्या, अंश -1, हर है 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, मूल का गुणनखंड करना है, तो अब सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 125 का गुणनखंड 5 × 5 × 5। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि देखते हैं कि घात के हर में क्या चीज है, तो घात के हर में है 3, मतलब इसे 3 की घात बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या दी जाएंगी उतने उतने को 3 की घात बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि घात का हर है 3, तो इसे 3 की घात बनाना है, ठीक है, मतलब ये 5 कितने बार है, 3 बार, तो इसे 3 की घात बना देना है, ठीक है, मतलब 5 की घात 3, मतलब 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो 125 की जगह लिखेंगे 5 की घात 3, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी जो दिया गया है उसे वैसे की वैसा ही लिखे रहने देंगे। अब क्या करते हैं, जैसा कि अपन करते आए, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर आया 5 की घात -1। आप इसे ही आंसर लिख सकते हैं या कि एक स्टेप और कर दीजिए, माइनस का मतलब होता है 1, क्या होता है 1, मतलब -1 को अपन लिख सकते हैं 1/, देखिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे यहीं पर आंसर को खत्म कर सकते हैं, या करके आप इसे लिख सकते हैं इसकी घात में क्या है 1, क्या है 1, और इसे आप पलट देंगे, मतलब 5 की घात -1 को नीचे की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की घात है तो प्लस की घात हो जाएगी, मतलब 1/5 की घात 1 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 1/5। किसी की घात भी करते हैं तो किसी की घात यदि 1 करते हैं तो वह उतना ही रहता है, मूल ही रहता है। तो इसके चाहे आप यहाँ पर खत्म कर दो या यहाँ पर खत्म कर दो तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अपना प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
प्रश्न नंबर थ्री की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री को बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीन इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। इन्हें करने से पहले आप कुछ बेसिक फार्मूले जान लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करना बेहद ही आसान लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, यहां पर गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। यदि सेम बेस हो तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और घाते को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर घाते क्या है, सेम, तो 2 को कॉमन लेंगे और घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा कि आप यदि हमारी बेसिक वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जाकर के आप बेसिक वीडियो को देखिए, जिससे आपसे भिन्न का जोड़ बने। तो देखिए हम भिन्न का जोड़ किस प्रकार से करते हैं, 3 और 5 का लघुत्तम लेते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 का 3 में भाग देंगे तो आएगा 5 और 15 का 5 में भाग देंगे तो आएगा 3। अब ऊपर गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे और 10 और 3 13 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। यही है फ्रेंड्स इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे भी देखिए। हम आज ही इस प्रश्नावली को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे और यह जो प्रश्नावली है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अपन को कोष्ठक हल करना होता है। ठीक है, हमने बेसिक वीडियो में आपको ये सब बातें बता दी है। 3 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 की घात 3 करेंगे तो आएगा 27। क्या आएगा फ्रेंड्स, 27। और यहाँ पर दिया गया है 7। ठीक है, 3 की घात 3 को किस प्रकार तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, 27 की घात 1। ठीक है, तो इसे अपन क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, 27 की घात +1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो 27 की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, और घात में क्या दिए गए हैं, 7। ठीक है, मतलब 7/1 दिए गए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस बचा रहेगा तो इस माइनस का गुणा इस 7 के साथ होगा तो हो जाएगा 27 की घात -7। और यही अपना फाइनली आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास हल होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाग के रूप में है, 11 की घात 1/2 / 11 की घात 1/4। हमने क्या बताया था कि भाग में घाते घटती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब मोड में कॉमन क्या है, 11, तो 11 को कॉमन ले लेंगे और घाते को घटा देंगे, मतलब 1/2 1/4। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 11 की पावर इन दोनों में से 2 और 4 का लघुत्तम आएगा क्या, 4, और 4 का 2 में भाग देंगे तो आएगा 2, 4 का 4 में भाग देंगे तो आएगा 1, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 11 की घात 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और नीचे बटा 4, यही अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को एक क्वेश्चन और दिए गए हैं, बस उसे हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अपने को एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसे हल करते हैं, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा उसका भी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दिया गया है 7 की घात 1/2 × 8 की घात 1/2। यानी इसमें क्या चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसे कॉमन कर लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 1/2 को कॉमन कर लीजिए और 7×8 56, इन दोनों गुणा हो रहे थे, गुणा कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये आ गया 56 की घात 1/2 और यही अपना आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।